Good morning students, how are you all? Good, okay. So, आज हमारा subject है हिंदी, okay. कौन सा subject है हमारा? Teacher आज क्या पढ़ाने वाले हैं? हिंदी, okay. और आज की date क्या है? बताइए आपको सभी को पता है? कौन सी date है यार? 2/9/29/9/21, okay. और आज का day कौन सा है? वेनसडे ओके तो आप सभी को वेनसडे की स्पेलिंग आती है पता है टीचर ने सिखाया है आपको चलो यहाँ पर वेनसडे की स्पेलिंग राइट करते हैं आप भी मेरे साथ बोलेंगे और लिखेंगे ओके राइट डाउन डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई Wednesday क्या है Wednesday की spelling W E D N E S D A Y Wednesday okay आज की date 29/9/21 then आज का day है Wednesday हमारी class है KG 2 okay then हमारा subject है आज का हिंदी हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं teacher आपको क्या सिखाने वाले हैं व्यंजन ओके आपको व्यंजन पता है ना आपके कमल का से लेकर षटकों का तक व्यंजन हो चुके हैं ओके ये सभी आपको पता है आपने राइटिंग भी कर ली है देन आज आपको कौन से व्यंजन मैम टीचर सिखाने वाले हैं स साइकिल का से लेकर ज्ञ ज्ञानी का ओके सर पहला व्यंजन है हमारा स साइकिल का इसको कैसे लिखेंगे देखो ये हमारी टू लाइन्स की कॉपी है आपके आप सभी के पास है ये टू लाइन्स की कॉपी यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट लाइन है वहां से हम लेंगे कर्व देन हल्का सा ऊपर जाएंगे देन ये सेकंड लाइन को हम स्लैंटिंग लाइन टच करेंगे ओके देन यहाँ पर बीच में से स्लिपिंग लाइन लेंगे देन स्टैंडिंग लाइन एंड ये फर्स्ट लाइन में हम देंगे स्लिपिंग लाइन ये हो गया हमारा साइकिल का ओके एक बार और लिखेंगे स कर्व एंड देन स्लैंटिंग नीचे की सेकंड लाइन को टच करेंगे फर्स्ट लाइन से कर्व लेंगे देन सेकंड लाइन को स्लैंटिंग लाइन टच करेंगे देन स्लिपिंग लाइन कर्व से और फर्स्ट लाइन से लेकर सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लेंगे देन ऊपर में हम फर्स्ट लाइन से स्लिपिंग लाइन लेंगे ये हो गया हमारा स साइकिल का ओके लिख लिया सभी ने ऐसे ही आपको जो मैम ने कहीं भी ऊपर नीचे बाहर नहीं जाने दिया है तो वैसे ही आपको भी प्रॉपर टू लाइंस में लिखना है ओके देन स साइकिल का के बाद हम क्या लिखेंगे ह हल्का चलो राइट डाउन ह हल्का देखो हमने स साइकिल का क्या लिख लिया उसके बाद हमको लिखना है ह हल्का चलो इसको कैसे लिखेंगे ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है यहाँ पे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन देंगे सिर्फ छोटी सी देनी है बहुत बड़ी नहीं देनी है छोटी सी स्टैंडिंग लाइन देंगे देन कर्व बनाएंगे देन एंटी कर्व बनाएंगे देन यहाँ पर कर्व बनाकर स्लैंटिंग लाइन सेकेंड लाइन को टच करेंगे ओके एंड देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन देंगे ये हो गया हमारा ह हल्का चलो एक टाइम और लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन छोटी सी देन कर्व एंटी कर्व एंड देन यहाँ पर ये कर्व से लेकर एंटी कर्व से लेकर हमको एक और कर्व देकर स्लैंटिंग लाइन लेनी है और सेकेंड लाइन को टच करना है ओके एंड देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन हल्का ओके ऐसे ही आपको लिखना है मैम के जैसे हल्का हल्का के बाद क्या आता है करे छ क्षत्रिय का कैसे लिखेंगे चलो मैम के साथ लिखो ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर देंगे हम स्टैंडिंग लाइन सेकंड लाइन तक टच करेंगे देन यहाँ पर बीच में से स्लिपिंग लाइन लेंगे इसको हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे फिर एंटी कर्व बनाएंगे देन इसको कर्व बनाकर छोटा सा सर्कल बनाएंगे अंदर से एंड देन स्टैंडिंग लाइन सेकंड लाइन को टच करेंगे ये हो गया हमारा छ क्षत्रिय वन टाइम और लिखेंगे ओके स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बीच में से स्लिपिंग लाइन देन ऊपर ले जाकर सर्कल बनाकर एंटी कर्व बनाएंगे देन कर्व बनाएंगे देन हल्का सा सर्कल बनाएंगे ऊपर की साइड में एंड देन यहाँ से स्लैंडिंग लाइन लेकर सेकंड लाइन को टच करेंगे एंड ऊपर में स्लिपिंग लाइन क्ष
क्षत्रिय का, ओके। क्षत्रिय का के बाद क्या आता है? त्र त्रिशूल का, गुड। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? एक स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, देन बीच में से एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की लाइन को टच करेंगे, एक स्लैंटिंग लाइन नीचे की लाइन को सेकंड लाइन को टच करेंगे, एंड देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन देंगे। ये हो गया हमारा त्र त्रिशूल का। चलो एक टाइम और लिखेंगे। स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन को टच करेंगे, देन बीच में से एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की लाइन को टच करेंगे, एक स्लैंटिंग लाइन नीचे की लाइन को टच करेंगे, देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन देंगे, त्र त्रिशूल का। देन उसके बाद हमको क्या लिखना है, कौन सा व्यंजन लिखना है? यज्ञानी का। इसको कैसे लिखेंगे? एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर की लाइन से फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन को टच करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, देन बीच में से स्लिपिंग लाइन, एंड देन उसी को टू बनाकर स्टैंडिंग लाइन देंगे एंड नीचे की लाइन को टच करेंगे एंड ऊपर में स्लिपिंग लाइन, यज्ञानी का। चलो वन टाइम और लिखेंगे। स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन को टच करेंगे, देन बीच में से स्लिपिंग लाइन देंगे, यहाँ पर टू बनाएंगे, और स्लैंटिंग लाइन सेकेंड लाइन को टच करेंगे, देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन देंगे, ओके। ये हो गया हमारा यज्ञानी का, ओके। तो अभी आपको पता है, मैम ने अभी आपको, टीचर ने आपको सिखाया है सोसाइटी का से लेकर यज्ञानी का तक कैसे राइटिंग करना है। तो चलो वन टाइम रीडिंग करते हैं। स साइकिल का, ह हल का, क्ष क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, य ज्ञानी का, ओके। ऐसे ही आपको भी रीडिंग करना है और ऐसे ही प्रॉपर राइटिंग करनी है, टू लाइंस में बराबर लिखना है, आपको बाहर नहीं जाने देना है एंड प्रॉपरली राइटिंग करना है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक मैं आपने आपको क कमल का से लेकर के ज्ञानी का तक पूरे व्यंजन सिखाए हैं, ओके। ये सभी व्यंजन आपको पता है, ठीक है। तो अभी एक बार फिर से हम लोग, देखो मैम ने यहाँ पर सेटिंग की है क कमल का से लेकर ज्ञानी का तक, ठीक है। तो ऐसी ही सेटिंग आपको अपनी बुक में करनी है और प्रॉपरली आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे जैसे मैम टीचर लिखते जाएंगे, जैसे जैसे मैम राइटिंग करेंगे, वैसे ही राइटिंग आपको करनी है, ओके। देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर टू लाइंस में यहाँ पर सेटिंग की है यहाँ पर, और देखिए क कमल का, क खरगोश का, यहाँ से लेकर ज्ञ ज्ञानी का तक यहाँ पर पूरा राइटिंग किया हुआ है, ओके। तो और यहाँ पर देखो टू लाइंस यहाँ पर दी है, तो जैसे जैसे मैम यहाँ पर राइटिंग करेंगे वैसे ही राइटिंग आपको अपनी कॉपी में करना है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, आपको पता है ये कौन सा व्यंजन है? करेक्ट, क कमल का। तो चलो यहाँ पर हम लोग राइटिंग करेंगे, क कमल का, स्लीपिंग, स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड अगेन कर्व, और ऊपर में देंगे स्लीपिंग। ये हो गया हमारा क कमल का, ओके। क कमल का के बाद क्या आता है? करेक्ट, ख खरगोश का। तो चलो मैम के साथ राइटिंग करो, ख खरगोश का, और ये आपको कितने टाइम लिखना है? टू टाइम्स लिखना है, जैसे जैसे मैम लिखते जाएंगे वैसे ही आपको राइटिंग करना है। चलो लिखो सेकेंड टाइम, ख खरगोश का। ख खरगोश का के बाद क्या आता है? ग गमले का। चलो लिखो ग गमले का, सेकेंड टाइम भी लिखना है हमको, ग गमले का। ग गमले का के बाद क्या आता है बताओ बच्चों? ग घड़ी का। करे, चलो लिखो घ घड़ी का। ये वन टाइम लिखा हमने, अभी सेकेंड टाइम भी हमको लिखना है, घ घड़ी का। लिखा सभी ने घ घड़ी का, ओके। तो सभी ने लिखा घ घड़ी का, तो घ घड़ी का के बाद क्या आता है बताइए? अंगा, ओके। तो चलो लिखो अंगा, अंगा। चलो लिखो सेकेंड टाइम, अंगा। लिखा सभी ने अंगा। अंगा के बाद क्या आता है? च चम्मच का। चलो लिखो च
चम्मच का, अगेन च चम्मच का, लिखा सभी ने, च चम्मच का के बाद छ छाते का। आपको भी मैम के साथ ऐसी ही प्रॉपर राइटिंग में लिखना है। देखो मैम कहीं भी बाहर नहीं जाने दे रहे, बराबर टू लाइंस में लिख रहे हैं, वैसे ही आपको भी टू लाइंस में लिखना है, ऊपर नहीं जाने देना है, नीचे भी नहीं जाने देना, ठीक है। चलो सेकंड टाइम छ छाते का लिखते हैं, छ छाते का, ओके। छ छाते का के बाद क्या आता है, गुड, ज जहाज का। चलो लिखो ज जहाज का, फिर से लिखना है हमको ज जहाज का। ज जहाज का के बाद क्या आता है, झ झरने का। चलो लिखो झ झरने का, अगेन झ झरने का। देखो मैंने यहाँ तक फर्स्ट लाइन में क कमल का से लेकर झ झरने का तक लिखा है, ओके। देन झ झरने का के बाद क्या आता है, इया। तो मैम ने इया कहाँ लिखा है, यहाँ पर नीचे की लाइन में। तो आपको भी टीचर ने जैसे ही इस सेकेंड लाइन में, ये वाली लाइन में, नीचे की लाइन में आपको इया लिखना है। चलो स्टार्ट करो, इया। कमल का से लेकर झ झरने का तक एक लाइन में लिखना है, फिर इया से लेकर द दरवाजे का तक हमको नीचे की लाइन में लिखना है, ओके। चलो इया और एक बार लिखेंगे, इया। इया के बाद ट टमाटर का, ट टमाटर का, ट टमाटर का के बाद ठ ठप्पे का। चलो फिर से लिखना है ठ ठप्पे का, इसके बाद ठ ठप्पे का के बाद ड डमरू का, अगेन सेकेंड टाइम ड डमरू का, ड डमरू का के बाद ढ ढक्कन का, ढ ढक्कन का, देन ड ढक्कन का के बाद न बाण का। देखो मैम कहीं भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, बराबर टू लाइंस में लिख रहे हैं, प्रॉपरली लिख रहे हैं, वैसी ही प्रॉपर राइटिंग आपको भी अपनी कॉपी में करना है। क्या लिखना है सेकंड टाइम हमको, न बाण का। न बाण का के बाद बताइए त तलवार का, त तलवार का, थ त तलवार का के बाद क्या है, थ थर्मस का। चलो राइट डाउन, थ थर्मस का, थ थर्मस का। थर्मस का के बाद क्या आता है, द दरवाजे का। चलो राइट डाउन, द दरवाजे का, द दरवाजे का। द दरवाजे की के बाद क्या आता है, द धनुष का। तो देखो मैम ने द धनुष का नीचे लिखा है, ओके, नीचे की लाइन में लिखा है। फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है क से लेकर झ झरने का था, फिर उसके नीचे की लाइन में लिखा है इया से लेके द दरवाजे का था, देन द धनुष का से लेकर र र का हमको इसकी नीचे की लाइन में लिखना है, ओके। तो चलो लिखो द धनुष का, ऐसे ही प्रॉपर आपको लिखना है, ओके। द धनुष का, ध धनुष का। द धनुष का के बाद क्या आता है, न नल का, न नल का। न नल का के बाद क्या आता है, प पतंग का। सभी को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है बॉयज, सभी को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है ना। चलो लिखो प पतंग का, पतंग का के बाद फ फल का, फ फल का। सभी को फल अच्छे लगते हैं, फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं, फ फल का। तो सभी को फल भी खाने हैं, ओके। लिखा सभी ने फ फल का। फ फल का के बाद कहते हैं ब
बतख का। चलो नेक्स्ट टाइम और लिखेंगे, वंस अगेन ब बतख का। लिख लिया सभी ने, ब बतख का के बाद क्या आता है? भ भालू का। भ भालू का, भ भालू का के बाद क्या आता है? म मछली का। राइट डाउन ऑल, म मछली का। म मछली का के बाद क्या आता है? य यज्ञ का। सेकेंड टाइम और लिखेंगे, य यज्ञ का। एंड यह यज्ञ का के बाद क्या आता है बताइए? र रथ का। र रथ का। फिर से यहाँ पर धनुष का से लेकर र रथ का तक राइटिंग की है, ठीक है। देन र रथ का के बाद क्या आता है? ल लहसुन का। तो इसको हमको कहाँ पर लिखना है? नीचे की लाइन में। ओके चलो लिखो, ल लहसुन का। ल लहसुन का। ल लहसुन का के बाद व वजन का। व वजन का। व वजन का के बाद श शरबत का। श शरबत का। श शरबत का के बाद श षटकोण का। श षटकोण का। श षटकोण का के बाद क्या आता है बताइए? स साइकिल का। स साइकिल का। स साइकिल का के बाद ह हल का। ह हल का। हल का के बाद क्ष क्षत्रिय का। अगेन लिखेंगे, क्ष क्षत्रिय का। क्ष क्षत्रिय के बाद आपको पता है क्या लिखना है? त्र त्रिशूल का। त्र त्रिशूल का। एंड लास्ट में कौन सा व्यंजन आता है त्र त्रिशूल का के बाद? करेक्ट, ज्ञ ज्ञानी का। एक बार और लिखेंगे इसको, ज्ञ ज्ञानी का। ओके ये सभी आपने मैम के साथ लिख लिया, टीचर के साथ लिख लिया, राइटिंग कर ली है पूरी। चलो एक बार हम इसकी रीडिंग करते हैं। ओके, क कमल का, ख खरगोश का, ग गमले का, घ घड़ी का, अंगा, च चम्मच का, छ छाते का, ज जहाज का, झ झरने का, ईया, ट टमाटर का, ठ ठप्पे का, ड डमरू का, ढ ढक्कन का, न बाण का, त तलवार का, थ थर्मस का, द दरवाजे का, ध धनुष का, न नल का, प पतंग का, प फल का, ब बतख का, ब भालू का, म मछली का, य यज्ञ का, र रथ का, ल लहसुन का, व वजन का, श शरबत का, श षटकोण का, स साइकिल का, ह हल का, क्ष क्षत्रिय का, त्र त्रिशूल का, य ज्ञानी का। ओके सो स्टूडेंट, ये है हमारी शब्द सुलेख बुक, वर्क बुक। ओके आप सभी के पास ये बुक है ना? ओके तो अभी हमको इसमें वर्क करना है। तो चलो वर्क बुक का हमको निकालना है पेज नंबर 12। सभी ने पेज नंबर 12 निकाला? ओके देखो पेज नंबर 12 पर क्या है, आपको अभी टीचर ने सिखाया। ये क्या है?
स साइकिल का, करेक्ट। तो चलो ये देखो ना, यहाँ पर नॉन, यहाँ पर ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पर पहले आपको लिख के दिया है ये ट्रेसिंग पार्ट और ये है नॉन ट्रेसिंग पार्ट। तो आपको ट्रेसिंग पार्ट पर ये पूरा ट्रेस करना है एंड नॉन ट्रेसिंग पार्ट पर आपको यहाँ पर अपनी राइटिंग में लिखना है अपनी पेंसिल से। ओके, तो चलो ट्रेसिंग पार्ट पर ट्रेस करते हैं। स साइकिल का कैसे लिखना है हमको, फर्स्ट लाइन से हमको कर्व लेना है, देन उसको स्लैंट लेनी है और नीचे की सेकेंड लाइन को हमको टच करना है। देन यहाँ पर स्लिपिंग लाइन लेनी है एंड फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक हमको स्टैंडिंग लाइन लेकर सेकेंड लाइन को हमको टच करना है, देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन लेना है। चलो एक बार और ट्रेस करते हैं स साइकिल का। फर्स्ट लाइन से हमने कर्व बनाया, देन स्लैंटिंग लाइन लिया, देन उसको सेकेंड लाइन को टच किया, देन यहाँ पर बीच में से स्लिपिंग लाइन लिया, फर्स्ट लाइन से लेकर सेकेंड लाइन तक स्लैंडिंग लाइन बनाई, देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन दी। ओके, ये हो गया हमारा स साइकिल का। अभी ये नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे है, ये हमको यहाँ पर लिखना है। ओके, कर्व बनाया, ऊपर लेके गए थोड़ा सा, देन उसको स्लैंट किया एंड स्लैंटिंग लाइन सेकेंड लाइन को टच किया, यहाँ पर स्लिपिंग लाइन बनाई एंड फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनाई एंड देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन दी। ओके, ये हो गया हमारा स साइकिल का। ओके, ऐसे ही आपको पूरा ट्रेसिंग पार्ट ट्रेस करना है एंड जो नॉन ट्रेसिंग पार्ट है उसको आपको अपनी पेंसिल से अपनी राइटिंग में लिखना है। ओके, सो स्टूडेंट, ये है हमारी शब्द सुलेख बुक, वर्क बुक। ओके, आप सभी के पास ये बुक है ना। ओके, तो अभी हमको इसमें वर्क करना है। तो चलो, वर्कबुक का हमको निकालना है पेज नंबर 12। सभी ने पेज नंबर 12 निकाला। ओके, देखिए सी चिल्ड्रेन, देखो यहाँ पर हमको दिया है स साइकिल का, यहाँ पर है ट्रेसिंग पार्ट एंड यहाँ पर है नॉन ट्रेसिंग पार्ट। तो ट्रेसिंग पार्ट पे हमको ट्रेस करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे हमको राइटिंग करना है। ओके, तो चलो स साइकिल का लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, कर्व, देन यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, स्लैंटिंग लेके सेकेंड लाइन को टच करेंगे। ओके, देन स्लिपिंग लाइन, फर्स्ट लाइन से लेकर सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन एंड ऊपर में स्लिपिंग लाइन। स साइकिल का एक बार और ट्रेस करते हैं। ये हमारी टू लाइन्स है, तो फर्स्ट लाइन से लेकर कर्व बनाएंगे, देन यहाँ पे सर्कल बनाकर सेकेंड लाइन को स्लैंटिंग लाइन टच करेंगे, देन यहाँ पर बीच में से स्लिपिंग लाइन देंगे एंड देन फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे एंड देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन देंगे। ये हो गया हमारा स साइकिल का, इसको हमने ट्रेस किया है। अभी नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे हमको राइटिंग करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कर्व बनाया, सर्कल बनाया, स्लैंटिंग लाइन सेकेंड लाइन को टच किया, देन स्लिपिंग लाइन दिया, फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन दिया और स्लिपिंग लाइन दिया। ओके, स साइकिल का। देन उसके बाद हमको लिखना है ह हल का, इसको भी ट्रेस करना है। चलो ट्रेसिंग करते हैं। फर्स्ट लाइन से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन देंगे, देन कर्व बनाएंगे, देन एंटी कर्व बनाएंगे एंड देन कर्व बनाकर स्लैंटिंग लाइन सेकेंड लाइन को टच करेंगे एंड देन ऊपर में ट्रेस स्लिपिंग लाइन देंगे। ओके, ये हो गया हमारा ट्रेसिंग पार्ट। अभी नॉन ट्रेसिंग पार्ट पर राइटिंग करते हैं। फर्स्ट लाइन से स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, देन कर्व बनाया, एंटी कर्व बनाया, देन यहाँ पर कर्व बनाकर स्लैंटिंग लाइन सेकेंड लाइन को टच किया। ओके, एंड देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन ह हल्का। देन उसके बाद हमको ट्रेस करना है क्ष क्षत्रिय का। ये ट्रेसिंग पार्ट और नॉन ट्रेसिंग पार्ट हमको दोनों करना है। तो चलो, स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन लेंगे, देन यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन बीच में से लेकर ऊपर में सर्कल बनाएंगे, देन कर्व बनाएंगे, एंटी कर्व लेके छोटा सा सर्कल लेके सेकेंड लाइन को टच करेंगे स्लैंटिंग लाइन। ओके, ऊपर में स्लिपिंग लाइन। ये हो गया हमारा क्ष क्षत्रिय का, ट्रेस किया हमने। अभी नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे राइटिंग करेंगे। फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक स्लिपिंग स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन लेंगे ऊपर में फर्स्ट लाइन तक, देन सर्कल बनाएंगे, देन कर्व बनाएंगे, सर्कल बनाकर स्लैंटिंग लाइन सेकेंड लाइन को टच करेंगे क्ष क्षत्रिय का। देन त्र त्रिशूल का कैसे करेंगे, देन ट्रेस करेंगे हम त्र त्रिशूल का। ओके, फर्स्ट लाइन से लेकर सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, देन एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर, एक स्लैंटिंग लाइन नीचे सेकेंड लाइन तक टच करेंगे, देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन देंगे त्र त्रिशूल का। ये हो गया हमारा ट्रेसिंग पार्ट। ये सभी आपको ट्रेस करना है। अभी नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे
राइटिंग करेंगे। फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन बीच में से ऊपर, एक स्लैंटिंग लाइन नीचे, देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन। ओके, ये होगा हमारा त्रिशूल का। देन नेक्स्ट आपको निकालना है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे आपको करना है ज्ञ ज्ञानी का। चलो इसको ट्रेस करते हैं। फर्स्ट लाइन से लेकर सेकंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, देन बीच में से स्लिपिंग लाइन लिया, देन यहाँ पर टू बनाया और स्लैंटिंग लाइन सेकंड लाइन को टच किया, देन ऊपर में स्लिपिंग लाइन, ज्ञ ज्ञानी का। ये हो गया पूरा ट्रेसिंग करना है आपको, और नॉन ट्रेसिंग पे राइटिंग करेंगे। चलो फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, बीच में से स्लिपिंग लाइन लिया, देन यहाँ पर टू बनाया और स्लैंटिंग लाइन सेकंड लाइन को टच किया, ऊपर में स्लिपिंग लाइन। ओके, ये हो गया हमारा ज्ञ ज्ञानी का। ऐसे ही आपको पूरा ट्रेसिंग पार्ट पे ट्रेसिंग करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट पे भी आपको अपनी हैंड राइटिंग में राइटिंग करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमको करना है सी डब्ल्यू। ओके, ये हमने ऊपर में सी डब्ल्यू लिखा, यहाँ पर डेट डालनी है 29/9/21। देन हमको व्यंजन लिखना है क से लेकर ज्ञ तक। ओके, देखो मैम ने ऐसी जो सेटिंग की है, देखो मार्जिन है, देन यहाँ पर मैम ने टीचर ने लाइंस ड्रॉ की है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसी आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, देन एक ही पेज में आपको पूरा क से लेकर ज्ञ ज्ञानिका तक सेटिंग करना है। देखो मैम ने ए फर्स्ट लाइन में क से लेकर झरने का तक, देन नेक्स्ट लाइन में इया से लेकर द दरवाजे का तक, देन नेक्स्ट धनुष से लेकर रथ का तक, एंड देन लहसुन का से लेकर ज्ञ ज्ञानी का तक। ऐसी पूरे एक लाइन में सेटिंग बनाई है। ऐसी ही सेटिंग आपको भी करनी है और आपको पूरा प्रॉपर वर्क करना है। नेक्स्ट सी चिल्ड्रेन, यहाँ पर भी मैम ने डेट डाली है एच डब्ल्यू, एंड देन व्यंजन लिखा है, और यहाँ पर आपको कौन से व्यंजन लिखने हैं, सपेरा से साइकिल से लेकर ज्ञ ज्ञानी का। ओके, ऐसे ही आपको सेटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7। सेवन लाइंस आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी है, और ऐसे ही प्रॉपर टू लाइंस में लिखना है, कहीं ऊपर नीचे नहीं जाने देना है, डर्टी वर्क बिल्कुल नहीं करना है। देन नेक्स्ट, देखो बच्चों आपको मैम ने स्वर सिखाए हैं, स्वर भी हो चुके हैं आपके और व्यंजन भी हो चुके हैं। ओके, तो ऐसे आपको स्वर भी लिखना है, तो ऊपर में हम डालेंगे डेट 29/9/21, देन एच डब्ल्यू, एंड देन यहाँ पर लिखेंगे हम स्वर, और स्वर कौन से लिखने हैं हमको, अ से आ तक। तो ये जो हमारा पेज है यहाँ पर आपको स्वर लिखने हैं अ से आ तक। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आज आपको मैम ने आपकी टीचर ने आपको क्या सिखाया है, कौन से व्यंजन सिखाए हैं, साइकिल का से लेकर ज्ञ ज्ञानी का तक। ओके, ये सब आपको पता है, और मैम ने आपको कमल का से लेकर ज्ञ ज्ञानी का तक भी राइटिंग कराई है। ओके, और ये सभी आपको लर्न भी करना है और अपनी कॉपी में प्रॉपरली लिखना है। आपको वर्कबुक में आपका होमवर्क दिया है, वर्क दिया है, वो भी आपको करना है। देन आपकी कॉपी में भी आपको वर्क दिया है, क्लास वर्क है, होमवर्क है, वो भी आपको प्रॉपरली करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है, कहीं भी डर्टी वर्क नहीं करना है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।